हाय दोस्तों, मुझे तो आप लोग जानते हो, सदाकत खान, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पता नहीं यार क्या क्या बोलते हैं, बट दोस्तों दो चार दिन से भाई के लिए भागम दौड़ी हो रही है, सब कुछ काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर पता नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि यार कुछ ना कुछ कमी रह नहीं जाए, कुछ ना कुछ कमी रह नहीं जाए। अभी जा रहा था दूसरे काम से और मेरे को पता नहीं सडनली ऐसा दिल में आया कि नहीं यार, जब इतना कुछ कर रहे हैं तो ये एक और चीज़ क्यों छोड़े। तो फाइनली दोस्तों मैंने स्टार्ट किया हूँ, सोच लिया हूँ कि अब स्टार्ट करना है मुझे व्लॉगिंग करना, और मैं अब भाई के लिए व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानो और आप लोग समझो कि सिचुएशन क्या है और हमें क्या क्या करना है। तो जल्दी आगे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं घर आ गया था, सोचा आपसे आराम से शांति से बैठ के बात करते हैं, थोड़ी चीज़ें आपसे समझते हैं, आप लोग कमेंट्स में बता देना और कुछ चीज़ें आप लोग को समझाता हूँ कि यार दो दिन से मतलब मुझे ऐसा था कि आप लोग ने बताया हम लोग स्पेस बनाते थे, ट्विटर पे इतना सारा काम करते थे, बट मुझे ऐसा था कि ऑन फील्ड काम करना है भाई के लिए। तो मैंने सब कुछ किया भाई, स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर्स में हम लोग ने भाई के लिए पोस्टर्स भेजे, हमने पोस्टर्स लगाए, दोस्त की शॉप पे पोस्टर्स लगाए, जो जो अपने से लग मुझसे हुआ मैंने सब किया। मैंने जितना जी जानता लोगों से बात करना, भाई के सारे फ्रेंड्स लोग से बात करना, सेलिब्रिटी दोस्त लोग से बात करना, सबसे बात बात किए, सबसे बात बात करके, और क्या बोलते हैं उनके जूनागढ़ में जहाँ जहाँ उनके दोस्त थे फ्रेंड्स थे सबसे बात बात किए, सबको बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, टीम से बात किया उनको बताया कि और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ करना चाहिए। सब कुछ करने के बाद तम दो तीन दिन से तो एकदम सोए नहीं है, नींद ही नहीं आँख में, और सब कुछ करने के बाद जब आज थके में बैठा ना कि थोड़ा आराम करता हूँ, तो उस वक्त मेरे को रियलाइज़ है यार मैंने भाई के लिए इतना सब कुछ कर दिया, पर वो आप लोग के सामने इतना सा दिखेगा पता है, क्योंकि दुनिया है ना इतनी बड़ी यार, इतने सारे लोग हैं, इतना सब कुछ है उसमें, तो वो सबके बीच में इतना सा दिखेगा। मुझे तब रियलाइज हुआ यार कि यार ये इनफ नहीं है, और जब वही चीज़ आप लोग इतने इतने सी चीज़ें, आप कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, जो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे इतना इतना सा भी करेंगे ना, तो वो इतना सारा दिखेगा, और तब लोगों को रियलाइज होगा कि हाँ यार इन लोगों ने कुछ किया है भाई के लिए। दोस्तों वो बड़ा कुछ करने का टाइम आया दोस्तों। दोस्तों ये बहुत फ़ख्र की बात होती है पता है, कि अगर हम किसी अपने किसी आइडल को पसंद करते हो और हमको मौका मिले उसके लिए कुछ करने के लिए। और दोस्तों आप लोग कहते हो मैं मनोहर भाई का भाई हूँ, उनका दोस्त हूँ, पर पता है इन सबसे पहले मैं उनका फ़ैन हूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं आता खुद से कि यार, देखो बोलना भी नहीं आता और आता भी नहीं है कि यार इतना सब कुछ कर लिया फिर भी लगता है कम है। और दोस्तों अगर ये कमी सिर्फ मुझे लग रही है ना, तो ये एक्चुअल में कम है। दोस्तों पता है थ्री इडियट मूवी का ना एक डायलॉग मुझे हमेशा बहुत हिट करता है, जब रैंचो फरहान को समझाता है कि फरहान लेटर हाथ में था, गाड़ी दरवाजे पे थी, थोड़ी और हिम्मत कर लेता ना तो आज कुछ सिचुएशन और थी। मतलब डायलॉग मुझे नहीं याद है, लेकिन तुम फीलिंग्स पे ध्यान दो दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो वो सिचुएशन में हमें यार कि यार फिनाले सामने था, ट्रॉफी नज़र आ रही थी, बस थोड़ी और हम लोग हिम्मत करते ना तो हम माहौल ही कुछ और कर देते। और मैं चाहता हूँ यार दोस्तों वो नई चीज़ होना चाहिए यार कि यार हमको बाद में रियलाइज़ हो कि यार सब कुछ तो हो रहा था, थोड़ी सी कमी कहाँ रह गई, अच्छा थोड़ी सी कमी यहाँ रह गई यार, थोड़ा और पुश यहाँ करना चाहिए था यार, तो हो जाता। वो दोस्तों वो जो एक गिल्ट आती है ना दिमाग में यार, तो फिर हम बेफालतू की चीज़ों को वो करने लग जाते यार कि नहीं यार ये इनके वजह से हुआ होगा, अरे यार ये तो उनके साजिश होगी, ये उन लोग ने करवाया होगा। नहीं यार
सब कुछ तुम ही हो दोस्तों, सारा करता धरता जनता है यार। तुम जिद पर अड़ जाओ ना कि नहीं, हमें ये पसंद है, हमें ये चाहिए और हमें ये ही चाहिए, तो कोई उस ओपिनियन को नहीं चेंज कर सकता। और उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, थोड़ा सा और पुश। मुझे पता है आप लोग अपनी हर लिमिट क्रॉस कर रहे हो, बट थोड़ा और पुश। वो जो होता है ना चीज के, भाई अब तो बहुत हो गया, अब ये कुर्सी छोड़ने का टाइम आ गया है, अब मैं निकल रहा हूँ रोड पे। और रोड पे भी ऐसा निकलना है दोस्तों कि जब तुम किसी से मिलते हो तो उन्हें बताओ कि दोस्त क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, बिग बॉस देख रहा है? मुनोर फारी को भी देख रहा है? कैसा चल रहा है, कैसा खेलता है यार? इतना सब कुछ झेला है, इतना सब कुछ किया, फिर भी डटा हुआ है। इतनी मुश्किलें आई, इतना सब कुछ हुआ अंदर, फिर भी डटा हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें देखा, तुम्हें ज़्यादा कुछ बना चढ़ा के बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। जो तुमने अब तक देखा, अब तक जो किया, अब तक जो हुआ, वो बयां कर दोगे ना, उतना काफ़ी है सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ भाई, इसने तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ झेल लिया, सब कुछ कर दिया। तो वही है ना दोस्तों, अगर जो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे ना, तो उस तक पहुँचो और उसको वहाँ तक पहुँचाओ कि देख दोस्त, ये चीज़ भी है जो तू नहीं देख पा रहा है, ये चीज़ भी है जो तू मिस कर दिया। आजकल लोग सिर्फ रील्स देख देख के ही डिसाइड कर लेते कि अच्छा हाँ, इसकी रील बढ़िया बन के आई है तो ये जीतना चाहिए, अच्छा हाँ, इसका कंटेंट अच्छा दिख रहा है रील में तो ये जीतना चाहिए। नहीं दोस्तों, आप एज अ फैन जो 2400 घंटा बैठ के लाइव देख रहा है, जो 2400 घंटा लाइव में चीज़ें नोटिस कर रहा है ना, आप इतना सब कुछ करने के बाद दिल से वोट करते हो कि भाई ये जीतना चाहिए, पर कुछ लोग जो रील्स पे बैठे बैठे बस बोल रहे कि हाँ यार, ये जीतना चाहिए, चलो दोस्तों इन लोगों को वोट करो, ये जीत जाए, तो ये आप लोग के लिए गलत है यार, गलत है, बहुत गलत है दोस्तों। हॉल ऐसा हो गया ना कि कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो वो सिचुएशन है यार। और वो सिर्फ अंदर से नहीं, वो बाहर भी वही है दोस्तों। जब तक तुम बाहर उनके लिए कुछ नहीं करोगे, बाहर ऐसा माहौल नहीं बनाओगे ना कि भाई हमको यही चाहिए, यही दिख रहा है, यही बेचना है, इसी को दिखाना है सब जगह, तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। और उसके लिए यार कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है दोस्तों, मैं नहीं बोलता हूँ यार रैली निकालो, नारे लगाओ, पोस्टर बनाओ, चिल्लाओ किल्लाओ, पोस्टर बनाओ, बट वो एकदम ही वो मत कर दो यार। ऐसी चीज़ ना करो कि जिसके वजह से किसी और को तकलीफ हो, पर ऐसी चीज़ करो दोस्तों कि जिसके वजह से दो लोग नोटिस करें कि देखो, कुछ ना कुछ भाई के लिए कोई ना कोई आगे बढ़ के कुछ ना बड़ा तो कर ही देगा। कि भाई हो सकता है किसने बड़े बड़े बैनर लगवा दिया, किसने बड़े बड़े रैली निकाल दिया, किसने स्कूल में ऐलान करा दिया, किसने क्योंकि भाई की फैंस बहुत क्रेजी है भाई, किसने टीवी में ऐड लगवा दिया, किसने अपनी किसी की, अगर कोई यूट्यूब बड़ा चैनल है तो उसने वहाँ पर कुछ कर दिया भाई के लिए, सब बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे, सब बड़ा बड़ा होगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों कि एक गाड़ी समझो, एक फ्रीवे के पास से एक गाड़ी जाती है जो हर दिन एक बैनर एक को देखती है भाई, कि भाई 50 बाय 50 का बैनर लगा है, हर दिन वहाँ पर कोई ना कोई नए पोस्टर लगते, वो बंदा हर दिन वहाँ से जाते वक्त उसकी एक आध बार नज़र जाती है, हाँ आज कुछ अच्छा लगा है, कुछ गलत लगा है, देखा है, देखा, इग्नोर किया, देखा, नोटिस किया, काम का है, देखा, नहीं देखा, वो बात। पर तुम किसी दिन अगर देख रहे हो कि कोई कड़कती धूप में कोई बंदा पोस्टर लेके रोड के बीच में खड़ा हुआ है, बीच में या साइड में रोस्ट के इधर खड़ा हुआ है और लोगों को दिखा रहा है कुछ चीज़ के, देखो इसे नोटिस करो, तो लोग चाह के भी लोग उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि भाई ये क्या था, ये क्यों खड़ा सड़क के पास, इसको कोई मदद की ज़रूरत है, ये क्या तकलीफ़ में है, ये कुछ कहना चाहता है, मतलब क्या लोगों को ना एंजाइटी होने लगी कि बस जानना है कि क्या बात है। और सड़क के किनारे अगर तुम एक पोस्टर लेके खड़े हो, वोट फॉर मुनव्वर भाई, वोट फॉर मुनव्वर फारूकी, तो लोग बोलेंगे भाई, जो समझो बिग बॉस नहीं भी देखते ना, वो भी सोचेंगे भाई ये क्या है, ऐसा कौन है भाई जिसके लिए लोग रोड पे खड़े हुए एक पोस्टर लेके कि भाई वोट फॉर मुनव्वर फारूकी। तो यार जानना तो बनता है ना कि देखूँ मैं जाके कि यार है कौन, अच्छा इसने ये वीडियोस बनाई है, ये रील्स बनाई है, इतने गाने बनाए, इतना बनाए, अच्छा बिग बॉस में,
अरे बिग बॉस में भी इतना अच्छा खेल रहा है, इतने लोग पसंद कर रहे, तो यार एक वोट मेरा तो बनता है। तो वो माहौल बनाना है दोस्तों, बस बस वो माहौल करना है दोस्तों, कि मैं नहीं बोलता बड़ा सा झुंड लेके तुम रोड पे चिल्लाओ नारे लगाओ, नहीं, पर अगर तुमको लगता है कि मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक पोस्टर लगाने से, चार लोगों की नज़र पड़ने से मैं चार लोग के ओपिनियन चेंज कर सकता हूँ, तो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मेरे घर के सामने वाली खिड़की से आठ लोग देख सकते हैं, 12 लोग उस चीज़ को देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो तुम्हें करना चाहिए दोस्तों वो चीज़। तुम्हें लगता है कि मेरी शॉप है, मेरी शॉप पे दिन में 50 लोग आते हैं, 50 लोग में से 30 लोग तो पूछेंगे भाई क्या है, किस वजह से है, तो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें लगता है मेरी खुद की दुकान है, मेरी दुकान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से ऊपर वाले की बरकत से अच्छा चल रहा है, पर मैं भाई के लिए वोटिंग के लिए 5% डिस्काउंट रख दूँ, 10% डिस्काउंट रख दूँ, कि भाई आप वोट करोगे, आप सपोर्ट करोगे, 10% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, तो आपको करना चाहिए। आज मेरे दोस्त, मेरे फैंस, जितने भी लोग हैं हमारे अराउंड सराउंड, जितने भी लोग हैं हमारे साथ में जो रहते हैं, सब लोग पूछते हैं भाई कि और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। यार मैं आपसे जानना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों, मेरी फैमिली, आप बताओ ना कि और क्या करना चाहिए, और बताओ मत यार, आप लोग इतने ओपिनियन दे देते हो कि भाई ये करो, भाई वो करो, वो करो, यार नन्ही सी जान कितना करेगा यार। मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि भाई हम ये कर रहे हैं, भाई हम वो कर रहे हो। मैं बोलता हूँ भाई अगर आप अपनी दुकान के बाहर है ना, एक भाई के लिए 6x4 का पोस्टर भी लगाओगे ना, बैनर भी लगाओगे, तो मैं आऊँगा आपकी दुकान पे आपसे मिलने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे आंगन के बाहर में इतनी जगह है कि मैं 20 लोगों को इकट्ठा कर लूँ हुनर भाई के लिए कुछ अच्छा बोलने के लिए ना, तो आप मुझे आप बुलाओगे, मैं आऊँगा आपके लिए। दोस्तों वो टाइम है ना कि अब सिर्फ एक जगह से पुश करने से नहीं होने वाला, सबको मिलके पुश करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों वो वक्त एक होता है ना यार, कि एक वक्त निकल जाता है ना, तो उसके बाद चीज़ें ऐसी लगने लगती है ना कि यार एक्चुअल में वो टाइम था जब थोड़ी और मेहनत करनी थी, थोड़ा और पुश करना था। यार मैं ऑफिस तो डेली जाता ही था, नॉर्मल गाने सुनते हुए, नॉर्मल कॉल पे बात करते हुए, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, सबसे बात करते हुए जाता था। एक दिन मैं अगर फ़ोन रख के गाड़ी में चार लोगों से मिल के बात बात करके, नॉर्मल बात करते करते मुनोर भाई के बारे में बात निकाला, उनके बारे में चार लोगों को बताया कि भाई ऐसा खेल रहा है, ऐसा कर रहा है, मैं तो वही करूँगा। तुम नॉर्मल चीज़ों पर डिबेट तो करती ही हो ना सब्जी मंडी वालों से, कि भाई इतनी महंगी क्यों चल रही है, इतनी चीज़ें क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, करते ही हो ना तुम, वो बहस तुम अपने लोगों से इस वे में करो। हम मैंने देखा हो ट्रेन में, रिक्शा में, लोगों का जब लंबा सफ़र होता है ना, तो उनको बातें करना कुछ ही, तो बातें उनकी ऐसी होती है कि टमाटर के भाव कितने महंगे हो गए यार, कांदे आसमान छू रहे यार, ये चीज़ तो अभी सोनार की दुकान पे बिकने लग जाएगी। तो यार तुम वो सब बातों में एक और बात इंक्लूड कर दो कि भाई मुनव्वर डिजर्विंग पर्सन है यार, इसको तो जितना चाहिए यार, ये तो अच्छा खेलता है यार, इसके लिए तो कुछ करेंगे। वो जब चीज़ें होने लगेंगी ना दोस्तों, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आएगा कि माहौल बदल रहा है दोस्तों, माहौल बदलना है। एक ऐसा माहौल कर देना ना कि बस, अभी हम देखने जाओ तो यार दिन ही कितने बचे यार, वो टाइम गया जब हम बोलते थे अभी 2 महीना है, अभी 1 महीना है, अब तो दिन है भाई, कुछ ही दिन है, तो अब नहीं तो कभी नहीं। और दोस्तों अब देखना, कोई ना कोई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ये वीडियो बनानी थी तो भाई के चैनल पे बनाते हैं, भाई के चैनल पे डालते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आता, पर दोस्तों हलवा थोड़ी ना है यार, वो मेरे भाई ने इतना बड़ा चैनल, दूसरा चैनल भी ले लो तो वो भी इतने मेहनत से, इतनी उससे बिल्ड किया है, और वहाँ पर जो चीज़ें जाती है वो लोगों को ऐसा कॉन्टेंट जाती है, आपको खुश करने के लिए जाती है। मैं बस उठाऊँ फ़ोन के, चलो यार ब्लॉग बनाना है, और बस बना दो, चार लोगों ने बोला भाई आप भी कुछ डाल सकते हो, आप भी बोल सकते हो, तो बस चलो मैं निकल पड़ा कि भाई लो भाई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। यार ऐसा नहीं होता है यार, यहाँ कर रहा हूँ ना मैं कोशिश, यहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर यहाँ लोगों तक मेरी बात पहुँचती है, लोग उस चीज़ को इंकरेज करते हैं कि नहीं भाई तुम
तुम है, तुम बोल सकते हो, तुम भाई के चैनल पे भी वीडियो अच्छी बना के डाल सकते हैं, तो करेंगे डेफिनेटली, वहाँ पर भी करेंगे दोस्तों। पर पहले मुझे तो जानना पड़ेगा ना कि यार मैं उस लायक भी हूँ कि वहाँ पर वीडियो डाल सकते या नहीं डाल सकते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। मैं अगर उनका ट्विटर अकाउंट लेके कभी स्पेस में भी जाता था ना, तो मेरे पे प्रेशर रहता था यार कि यहाँ पर कुछ लोग कुछ ना बोल दे, कुछ ऐसा माहौल नहीं बन जाए कि कल को लोग बोले यार मनोहर भाई की आईडी वहाँ पर थी। लोगों को तो पता है कि वो नहीं वहाँ पर उनकी आईडी वहाँ पर थी और उस वक्त ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई ना, तो एक प्रेशर रहता है यार। बहुत मेहनत से बनाई हुई चीज़ें जब किसी की तुम कहीं पे प्रेजेंट करते हो ना, तो तुम्हारे पे एक जिम्मेदारी होती है कि तुम्हें उसको कैसे आगे रखना है, आगे कैसे लेके जाना है। तो भाई यूट्यूब चैनल तो बहुत दूर की चीज़ है दोस्तों यार। आज जो भाई मुकाम पर है, जो चीज़ उनको मिली है, आज जहाँ तक पहुँचे ना, तो उस चैनल की वजह से पहुँचे। तो हम और आप कैसे सोच सकते हैं यार, मेरी टीम, हम लोग कैसे सोच सकते हैं यार कि डाल दो यार कुछ भी डाल दो, अच्छा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है हमको डाल दो। नहीं यार, भाई ने आप भाई का और आपका एक कम्युनिकेशन है, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है यार कि हाँ चलो मेरे जनता को ये चीज़ देखनी है तो मैं उनको ये दूँ, हाँ मेरे लोगों को ये चीज़ पसंद है तो उनको ये दिखाओ। मैं नहीं चाहता यार कि आज माहौल ऐसा है, तकलीफ में हो तो मैं बोलो भाई चलो यहाँ से बहुत से लोग जुड़ जाएंगे, बहुत से फॉलोवर्स और व्यूज़ आ जाएंगे, बहुत से लोगों तक पहुँच जाएगा, तो भाई मैं डाल दूँ यहाँ पर एक वीडियो डाल दो कि भाई मैं मदद मांग रहा था, अपने जनता को बता रहा था कि यहाँ हमको आपकी ज़रूरत है, यहाँ आपका सपोर्ट चाहिए, तो मैंने वहाँ वीडियो बना के डाल दिया। नहीं यार, मुझे पता है कि मैं अगर किसी अननोन अकाउंट से भी एक वीडियो बना के डालूंगा कि भाई ये है, तो वो आज नहीं तो कल आप लोगों तक पहुँच जाएगी, और जब आप तक पहुँचेगी ना, तो आप उनको दूसरे लोगों तक पहुँचाओगे पहुँचाओगे कि नहीं भाई ये चीज़ ज़रूरत है, ये चीज़ इस वक्त इस चीज़ को होना ही होना चाहिए। तो मैं क्यों इतने बड़े प्लेटफॉर्म को भाई उस चीज़ के बीच में इन्वॉल्व करूँ कि नहीं आप भाई के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते। करूँगा दोस्तों, मैं वादा करता हूँ, वो चीज़ भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ को भी यूज़ में लाएंगे, लेकिन वहाँ जो चीज़ मैं आपको जब प्रेजेंट करूँगा ना, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये बंदा अब उस लायक था और इन लोग ने वो चीज़ बनाए जो वहीं जाना चाहिए थी। ये तो एक वो है ना कि मैं बस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप तक कुछ बात पहुँचा रहा हूँ, आप तक बता रहा हूँ कि भाई माहौल के हिसाब से हमको क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ करना चाहिए। तो ये यार इतनी सी कम्युनिकेशन में अगर भाई के उस पर डालूंगा तो नहीं अच्छा लगता है। ये तो एक बात थी मेरे दिल की कि आप तक तो बताना है, तो मैंने सोचा कि अपना कुछ बनाओ, यहाँ पर करो जितनी बकचोदी करना है, यहाँ पर बातें करो जो भी करना है रखना है, यहाँ रखो दिल खोल के जो भी करना है, तो वहाँ जो हम डालेंगे वो ऐसा कॉन्टेंट ही जाएगा जो लोगों को पसंद आए, लोग जिसको इंकरेज करें। थोड़ा वक्त दो, थोड़ा सा इंकरेज करो कि हाँ भाई कर सकते हो आप, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे नहीं पता था भाई व्लॉग में एक्चुअल में बनता क्या है, बात क्या करनी होती है, कैसी चीज़ें रखनी होती है। मैंने शुरुआत इससे की कि भाई ठीक है मेरे दिल में कुछ था, मुझे लगा कहीं और कहीं कुछ और बोलने करने से अच्छा है, सबसे बढ़िया है एक व्लॉग बनाओ डालो, बाकी लोग तो है, बाकी लोगों तक पहुँचाने के लिए बस पहुंचाओ यार। आपको लग रहा है एक मैसेज है तो दूसरे मैसेज दूसरे लोगों तक वो मैसेज पहुंचाओ, और बाकी बकचोदी तो करते रहेंगे यार। आज के लिए सिर्फ काम की बात, जल्दी मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में।